चुनावी मौसम में फेक न्यूज ब्रिगेड ओवरटाइम करके अपना एजेंडा आगे बढ़ाने में लगी हुई है। ऐसे में यह बहुत जरूरी है कि आप सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही तमाम फेक न्यूज के साथ साथ उन्हें फैलाने वालों से भी सावधान रहें। फेक न्यूज हंटिंग सीरीज का भी एकमात्र मकसद आपको इस हफ्ते फेक न्यूज गैंग के एजेंडा से बचाना है। हर हफ्ते कुछ लोकतंत्र विरोधी शक्तियाँ जमकर फेक न्यूज फैलाती हैं ताकि लोगों के राजनीतिक मत को प्रभावित किया जा सके, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी हम ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रेरणा भारद्वाज और फेक न्यूज हंटिंग के इस आखिरी एपिसोड के साथ आज मैं पिछले हफ्ते के दौरान फैली तमाम फेक न्यूज को आपके सामने एक्सपोज करूंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर से। फेक न्यूज ब्रिगेड उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ से इतना परेशान हो चुकी है कि फेक न्यूज फैलाने के लिए वह अब उनके फेक ब्रदर का इस्तेमाल कर रहा है। जी हाँ, इस ब्रिगेड ने पिछले दिनों यह खबर फैलाई कि सीएम योगी के बड़े भाई असित नाथ बिष्ट उत्तर प्रदेश में महागठबंधन का समर्थन कर रहे हैं। विनोद यादव नाम के एक फेसबुक यूजर ने उनके कथित भाई की फोटो शेयर करते हुए लिखा, अब योगी के भाई असित नाथ बिष्ट का महागठबंधन को समर्थन। बोले, मुझे गर्व है कि मैं अखिलेश जी का चुनाव प्रचार कर रहा हूँ। जय जय अखिलेश, ठीक है। हालांकि जब हमने योगी आदित्यनाथ के कथित भाई की असलियत का पता लगाने की कोशिश की तो यह सामने आया कि वह असित नाथ बिष्ट नहीं बल्कि गोरखपुर से ही सुरेश ठाकुर योद्धा हैं जो अखिलेश के लिए प्रचार कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी सुरेश ठाकुर के साथ अपनी फोटो को ट्विटर पर शेयर किया है। 4 मई को उन्होंने अपने ट्विटर पेज पर फोटो शेयर करते हुए लिखा, हम नकली भगवान नहीं ला सकते पर एक बाबा जी लाए हैं। ये हमारे साथ गोरखपुर छोड़ प्रदेश में सबको सरकार की सच्चाई बता रहे हैं। यानी उन्होंने भी अपने ट्वीट में ऐसा कोई दावा नहीं किया जो ये साबित कर सके कि वो योगी आदित्यनाथ के भाई हैं। यानी हमारी पड़ताल में यह न्यूज पूरी तरह से फेक साबित हुई। देश में दलितों के नाम पर राजनीति करने वालों की कोई कमी नहीं है। दलितों के उद्धार करने के वादे के साथ सत्ता में आए कुछ नेता आज खुद ही उन पर राजनीति करने में मशरूफ हैं। इतना ही नहीं, दलितों के उत्पीड़न के नाम पर अब फेक न्यूज भी फैलाई जाने लगी है ताकि कुछ लोगों द्वारा पॉलिटिकल स्कोरिंग की जा सके। ऐसे ही फेक न्यूज पिछले दिनों सोशल मीडिया पर फैलाई गई जिसमें एक वीडियो को शेयर करते हुए यह दिखाने की कोशिश की गई कि भाजपा नेता एक दलित की पिटाई कर रहे हैं। दरअसल उस वीडियो में कुछ लोग एक शख्स की पिटाई करते देखे जा सकते हैं जिसे व्हाट्सएप और फेसबुक पर यह कहकर शेयर किया जा रहा है कि भाजपा के MLA अनिल उपाध्याय ने अपने गुंडों के साथ मिलकर सिर्फ इसलिए एक दलित की पिटाई कर दी क्योंकि वह आलीशान गाड़ी में घूम रहा था। हालांकि जब इस वीडियो की पड़ताल की गई तो यह सामने आया कि यह वीडियो 2 साल पुरानी है। वीडियो में जिस शख्स की पिटाई हो रही है वो गुजरात के अहमदाबाद शहर में रहने वाले हार्दिक भरवाड़ हैं। हार्दिक को पारिवारिक विवाद के चलते उनके ससुराल पक्ष के लोगों ने पीटा था, साथ ही उनकी गाड़ी भी तोड़ दी थी। कुल मिलाकर एक पुराने वीडियो को गलत मैसेज के साथ शेयर किया गया जिसका मकसद सिर्फ दलितों पर राजनीति करना था। यानी यह न्यूज भी पूरी तरह फेक साबित हुई। फेक न्यूज हंटिंग का यह एपिसोड बिना कांग्रेस के जिक्र के भला कैसे पूरा हो सकता है। कांग्रेस हर हफ्ते इतनी भारी मात्रा में फेक न्यूज फैलाती है कि वह एक राजनीति पार्टी कम और फेक न्यूज फैक्ट्री ज्यादा लगती है। दरअसल गुरुग्राम कांग्रेस ने अपने आधिकारिक फेसबुक अकाउंट पर एक वीडियो शेयर की जिसमें पीएम मोदी एक सोफा पर बैठे नजर आ रहे हैं और कुछ लोग उनके चेहरे का अलग अलग एंगल से नाप ले रहे हैं और साथ में तस्वीर भी खींच रहे हैं। इस वीडियो को यह कहकर शेयर किया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मेकअप पर हर महीने 80 लाख रुपए खर्च करते हैं। वीडियो के कैप्शन में लिखा है कि गरीब का बेटा मेकअप करा रहा है। RTI के जरिए खुलासा हुआ कि इसके श्रृंगार के लिए ब्यूटीशियन को 80 लाख रुपए प्रति माह भुगतान किया जाता है। हालांकि जब हमने इसको लेकर पड़ताल की तो कांग्रेस के इस झूठ का पर्दाफाश हो गया। दरअसल पड़ताल में सामने आया कि शेयर की जा रही वीडियो मार्च 2016 की है। उस समय मैडम तुसाद म्यूजियम के कुछ आर्टिस्ट मोदी का वैक्स स्टैचू बनाने के लिए उनका शारीरिक नाप लेने उनके घर आए थे। इसके अलावा हमें ऐसी कोई भी RTI नहीं मिली जिसमें मोदी के मेकअप पर हुए खर्च का जिक्र हो। यानी कांग्रेस द्वारा गलत मैसेज के साथ पोस्ट की गई यह वीडियो पूरी तरह से मिसलीडिंग साबित हुई। आगे बढ़ते हैं। मशहूर अभिनेता सनी देओल भाजपा में शामिल होकर
पहले ही कांग्रेस पर अपने 2.5 किलो के हाथ से प्रहार कर चुके हैं। वामपंथी गैंग सनी देओल के भाजपाई बनने से इतनी हताश हो गई है कि उनका मुकाबला करने के लिए अब फेक न्यूज का सहारा ले रही है। दरअसल पिछले दिनों सोशल मीडिया पर सनी देओल के रोड शो की एक तस्वीर को शेयर करते हुए यह कहा गया कि उन्होंने हिंदू धर्म का अपमान करते हुए भगवान शिव की तस्वीर के ऊपर पैर रखा। आप पहले जरा इस ट्वीट को देखिए जिसमें एक ट्विटर यूजर ने इस फोटो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा है, हिंदू आस्था के नाम पर राजनीति करने वाले बीजेपी के नेता और प्रत्याशी सनी देओल ने किया हिंदू धर्म का अपमान और भगवान शिव की तस्वीर के ऊपर रखा पैर। तो आइए अब जरा इस फोटो की सच्चाई जान लेते हैं। जब हमने उसी रोड शो की फोटो को दूसरे एंगल से जांचा तो यह समझ आ गया कि माजरा क्या है। दूसरी फोटो को देखकर यह साफ हो गया कि सनी देओल के पैर असल में शिवजी की फोटो से काफी पीछे थे। यानी फेक न्यूज ब्रिगेड ने एक खास एंगल से ली गई फोटो को आधार बनाकर अपना एजेंडा चलाने की कोशिश की, लेकिन उसकी यह कोशिश भी पूरी तरह नाकाम साबित हुई। अगली खबर का रुख करते हैं। तो पिछले हफ्ते नई दिल्ली से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी अजय माकन ने भाजपा अध्यक्ष अमित शाह की एक वीडियो ट्वीट करते हुए यह दावा किया कि वे खुद अपने उम्मीदवार मीनाक्षी लेखी और रमेश भिदुड़ी को वोट न देने की अपील कर रहे हैं। अजय माकन ने अपने ट्वीट में वीडियो को पोस्ट करते हुए लिखा, इट्स वेरी स्ट्रेंज, बीजेपी प्रेसिडेंट श्री अमित शाह हिमसेल्फ सेज दैट डू नॉट वोट फॉर मीनाक्षी लेखी, देन व्हाई शुड एनीवन वोट फॉर मीनाक्षी लेखी जी, प्लीज वॉच दिस वीडियो सेंट बाय कुंद्रा विशाल। मगर हमारे दोनों सांसद प्रत्याशी है, बहन लेखी है और रमेश भिदुड़ी है, ये एक भी काम के लिए दोनों को वोट मत देना। मैं कहता हूं आपको, भाजपा का अध्यक्ष होकर कहता हूं, मेरे दोनों प्रत्याशी को ये एक भी काम के लिए वोट न दे। तो चलिए अब इस वीडियो की सच्चाई जान लेते हैं। दरअसल फेक न्यूज गैंग द्वारा इस वीडियो को इस तरह से एडिट किया गया ताकि लोगों को ऐसा लगे कि अमित शाह अपने ही प्रत्याशियों को वोट देने से मना कर रहे हैं, जबकि ओरिजिनल वीडियो देखने के बाद आपको भी यह यकीन हो जाएगा कि अमित शाह असल में कुछ और ही कहना चाहते थे। आइए अब अमित शाह का पूरा बयान सुनते हैं। मित्रों, नरेंद्र मोदी सरकार ने ढेर सारे काम, गरीबों के लिए बहुत सारे काम, घर दिया, बिजली दिया, शौचालय दिया, गैस का कनेक्शन दिया, शुद्ध पीने का पानी दिया, दिल्ली के लिए भी बहुत सारी चीजें दी। मगर हमारे दोनों सांसद प्रत्याशी हैं, बहन लेखी है और रमेश भिदुड़ी है, ये एक भी काम के लिए दोनों को वोट मत देना। मैं कहता हूं आपको, भाजपा का अध्यक्ष होकर कहता हूं, मेरे दोनों प्रत्याशी को ये एक भी काम के लिए वोट न देना। दिल्ली के लिए 1,00,000 करोड़ रुपया मोदी जी ने खर्च कराया है, उसके लिए भी वोट नहीं देना है, उनको नहीं देना है। इनको वोट जरूर देना, मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया है, इसलिए वोट देना देश को सुरक्षित। तो देखा आपने किस तरह इस फेक न्यूज गैंग ने फेक न्यूज फैलाने के लिए अमित शाह की एक वीडियो का इस्तेमाल किया, लेकिन अफसोस इस फेक न्यूज का भी बहुत ही जल्द भांडाफोड़ हो गया। आगे बढ़ते हैं। यह तो आपको पता ही होगा कि कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र के गढ़चिरौली से नक्सली हमले में 15 जवानों के शहीद होने की खबर सामने आई थी। फेक न्यूज ब्रिगेड ने बड़ी ही बेशर्मी से इसको लेकर भी फेक न्यूज फैलाना शुरू कर दिया। यह खबर फैलाई गई कि इन शहीद जवानों के लिए मोदी सरकार ताबूत भी उपलब्ध ना करा सकी और जवानों के मृत शरीर को गत्ते के बॉक्सों में लपेटा गया। ट्विटर यूजर पंकज शाही ने कुछ फोटोज को ट्वीट करते हुए लिखा, गढ़चिरौली में शहीद सुरक्षा बल जवानों के लिए ताबूत कम पड़ गए तो उनकी लाशों को कागज के गत्तों में बांध दिया गया, सरकार ताबूत न दे सकी वह सम्मान क्या देगी, मोदी है तो मुमकिन है। हालांकि जब हमने इस फोटो की पड़ताल की तो कुछ ही देर में सच सामने आ गया। दरअसल ट्वीट की गई फोटो गढ़चिरौली की बजाय 2 साल पहले अरुणाचल प्रदेश के तवांग में हुए एक हेलीकॉप्टर क्रैश की है। हादसे में 7 जवानों की मौत हो गई थी और घटनास्थल की ऊंचाई काफी ज्यादा होने से हेलीकॉप्टर उन तक भारी ताबूत नहीं ले जा सकता था, इसीलिए जवानों को गत्ते के बॉक्सों में लपेटा गया था। जाहिर है कि पुरानी फोटो को ट्वीट करते हुए फेक न्यूज ब्रिगेड ने अपना एजेंडा चलाने की कोशिश की ताकि लोगों के मन में मोदी सरकार के प्रति नफरत का माहौल बनाया जा सके, लेकिन उनका यह एजेंडा लंबा नहीं चल पाया। हमारी पड़ताल में यह न्यूज पूरी तरह फेक और मिसलीडिंग साबित हुई। अगली फेक न्यूज एक्सपोज की तरफ बढ़ते हैं। तो 3 मई को कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर एक दावा किया गया
जिसके मुताबिक कांग्रेस के समय भी देश की सेना ने कई बार सर्जिकल स्ट्राइक की। ट्वीट में कांग्रेस ने लिखा, फार बिफोर मोदी एवर केम टू पावर brave men sacrificed their lives to protect and avenge our great nation. His ridiculous comments are not only an insult to them but has hurt the sentiments of every Indian. इसके साथ ही कांग्रेस ने एक फोटो को शेयर किया जिसमें यूपीए सरकार के दौरान हुई 6 कथित सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र किया गया था। सब कांग्रेस के इस दावे से हैरान थे क्योंकि वर्ष 2016 में जब पहली बार सेना ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में जाकर सर्जिकल स्ट्राइक की थी तो कांग्रेस ने कहा था कि ऐसा कुछ तो होता ही नहीं है। खैर, चलिए अब जरा कांग्रेस के इस दावे की सच्चाई का पता लगाते हैं। एक्टिविस्ट रोहित चौधरी ने इसकी सच्चाई जानने के लिए आरटीआई अपील के माध्यम से सेना से सर्जिकल स्ट्राइक से संबंधित जानकारी मांगी थी, जिसके जवाब में सेना ने यह खुलासा किया कि वर्ष 2016 से पहले सेना के पास किसी सर्जिकल स्ट्राइक संबंधी कोई जानकारी है ही नहीं। यानी खुद सेना ने कांग्रेस द्वारा फैलाए गए इस झूठ का पर्दाफाश कर दिया। कांग्रेस का यह ट्वीट भी पूरी तरह से झूठा साबित हुआ। तो जैसा हमने आपको बताया कि आज का यह एपिसोड फेक न्यूज हंटिंग सीरीज का आखिरी एपिसोड है। इस सीरीज के सभी एपिसोड्स को अपना प्यार देने के लिए और अपनी सकारात्मक प्रतिक्रिया के जरिए लगातार हमारा मार्गदर्शन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन चिंता मत करिए, नए अंदाज और नए जोश के साथ हम फिर फेक न्यूज हंटिंग का दूसरा सीजन लेकर 15 जून को दोबारा हाजिर होंगे। तब तक आप अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए और खुश रहिए। और हाँ, इस फेक न्यूज ब्रिगेड से बचकर रहिएगा। खैर, जाने से पहले मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि प्लीज अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें, वोट जरूर डालें और एक ऐसी सशक्त सरकार चुनें जो देश के विकास को आगे बढ़ाए। जय हिंद, जय भारत।